हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का थर्ड सम, प्रॉब्लम नंबर 3। आइए देखते क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। वासु एंड वीरज शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ये ओल्ड पार्टनर्स के नाम है स्टूडेंट, वासु और वीरज, जो प्रॉफिट और लॉस को अब तक 3:2 के हिसाब से शेयर करते आए हुए, करेक्ट। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 हैज अंडर, और यहाँ में बैलेंस शीट का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है 31 मार्च 2019 के हिसाब से। ओके, बिफोर एडमिशन ये बैलेंस शीट का इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। क्रेडिटर्स स्टैंड्स 45,000, जनरल रिजर्व 30,000, कैपिटल अकाउंट वासु 1,08,000, वीरज 72,000, एसेट कैश एट बैंक 750, डेटर्स 66,750, स्टॉक 25,500, इन्वेस्टमेंट 36,000, प्लांट 19,000, बिल्डिंग 36,000। ओके, बैलेंस शीट टोटल कम्स टू 2,55,000। दे एडमिटेड हरी इन टू पार्टनरशिप ऑन 1/4/2019 एंड द टर्म्स बींग डेट। तो 1/4/2019 को बैलेंस शीट के एग्जैक्ट नेक्स्ट डे पे हमने क्या किया, हरी को एडमिट किया, और कुछ कंडीशंस थी। क्या कंडीशंस पे हमने एडमिट किया, दैट ही शैल ब्रिंग इन 60,000 हैज हिज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। उसे फ्यूचर में 1/4 शेयर मिलेगा और उसके लिए हरी को 60,000 कैपिटल लेके आना पड़ेगा। स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, 60,000 कैपिटल लेके आना पड़ेगा, करेक्ट। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी फिक्स एट एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। ओके, तो गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा स्टूडेंट। गुडविल हमें यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है सब में, ये सब में हमें रिक्वायर्ड है कि हम लोग गुडविल कैलकुलेट करें। और गुडविल क्या होगा, ध्यान से पढ़ना, गुडविल ऑफ द फर्म, तो फर्म का जो गुडविल होगा इक्वल टू, इस मतलब इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। ओके, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3, तो लास्ट 3 ईयर्स का मुझे एवरेज निकालना, जो भी एवरेज होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, मेरा गुडविल होगा, करेक्ट। तो चलिए गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एवरेज निकाल देते हैं लास्ट 3 ईयर का। तो 48,000 प्लस 81,000 प्लस 73,500, करेक्ट, डिवाइडेड बाय 3 ईयर्स का इन्फॉर्मेशन है तो डिवाइडेड बाय 3। तो स्टूडेंट कितना आया, 67,500, कितना आया, 67,500 हमें अपना गुडविल मिल गया, करेक्ट स्टूडेंट। ओके, आगे लिखा हुआ है गुडविल का, हमने अमाउंट कैलकुलेट कर लिया 67,500। आगे लिखा है, हरी इज अनएबल टू ब्रिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल इन कैश, इट वॉज डिसाइडेड टू रेज द गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो हरी गुडविल का पैसा नहीं लेके आ पाया, जिसकी वजह से ये डिसाइड हुआ कि जो गुडविल का पैसा है स्टूडेंट क्या कर देंगे, रेस कर देंगे, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रेस, रेस का मतलब क्या स्टूडेंट, हमें यहाँ पे रेस की एंट्री पास करनी, वो ला नहीं पाया, बट हम लोग इसको रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे रेस्ट गुडविल रेस की एंट्री पास करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी क्रिएटेड एट 1,500, डेटर्स, करेक्ट, डेटर्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट है स्टूडेंट। तो हम डेटर्स को हाईलाइट कर लेते हैं, इस पर RDD क्रिएट करना है हमें। ओके, 1,500 रुपीज़ का स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 22,500, स्टॉक का वैल्यू 25,500 है, और कितना वैल्यू हो गया अभी 22,500, डेप्रिशिएट हो जाएगा स्टॉक स्टूडेंट, करेक्ट। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%, प्लांट एंड बिल्डिंग, तो प्लांट को भी 5% डेप्रिशिएट करना है और बिल्डिंग को भी 5% डेप्रिशिएट करना है स्टूडेंट यहाँ पे। ओके, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड पार्ट का सॉरी कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। तो यहाँ पे हमें टोटल 3 चीज़ें बोली गई है स्टूडेंट, ठीक है ना। पहला प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, सेकंड कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड थर्ड बैलेंस शीट। स्टूडेंट भले यहाँ पे 3 चीज़ बोली हुई है, हम यहाँ पे 5 अकाउंट्स बनाएंगे और ये हर सम में हम इसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है ना। ये हमारा वर्किंग का पार्ट हो जाएगा, कैश अकाउंट और गुडविल अकाउंट हमारा वर्किंग का पार्ट हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट इसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है, चलिए एक बार क्विकली फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहला आपको ये बुक का डबल पेज जो होता है वहाँ पे रखना है, ये जो डार्क कॉलम है वो आपका पार्टीशन है बुक का, ठीक है। तो ये जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड का होगा डिटेल, ये जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड का डिटेल होगा, ये आपका राइट हैंड साइड का डिटेल होगा, और लास्ट के थोड़े से पार्ट में स्टूडेंट आपको दोनों भी कॉलम में हमें क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट 3-3 पार्टनर के नाम है। अगर आप इसे एक ही पेज पर लेके आओगे तो बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा खराब लगेगा। तो मेक श्योर आप पार्टनर्स कैपिटल को एक बड़ा सा अकाउंट बना दीजिए नीचे, ठीक है।
तो चलिए सम की शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं सम। तो सबसे पहले स्टूडेंट जब भी लेजर बनाने बोलेंगे तो हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट के आइटम से डील करेंगे, फिर बाद में हम लोग एडजस्टमेंट की तरफ मूव करेंगे, करेक्ट। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला कौन सा है, सन्ड्री क्रेडिटर। क्या स्टूडेंट, सन्ड्री क्रेडिटर, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सन्ड्री क्रेडिटर को हम लोग सीधा कहाँ लिखेंगे स्टूडेंट, लाइबिलिटी साइड में आउटर कॉलम में नोट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे पहला सन्ड्री क्रेडिटर, ओके, जस्ट वेट, सन्ड्री क्रेडिटर्स। या सन्ड्री क्रेडिटर अमाउंट कितना आएगा स्टूडेंट यहाँ पर, 45,000, सीधा आउटर कॉलम में हम अमाउंट नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट रिजर्व, स्टूडेंट ये रिजर्व क्या होगा, डेफिनेटली कोई नया पार्टनर आएगा तो ओल्ड पार्टनर्स उनकी जितनी भी सेविंग्स होगी वो क्या कर देगी, आपस में बांट देंगे, करेक्ट। तो ओल्ड पार्टनर्स अपने में क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो स्टूडेंट इसका जो एंट्री होगा वो क्या होगा रिजर्व का, क्योंकि जनरल रिजर्व का मेरा क्रेडिट बैलेंस है लाइबिलिटी साइड में, मतलब क्रेडिट बैलेंस इसे मुझे ख़त्म करना है, तो जनरल रिजर्व क्या करूँगा स्टूडेंट मैं डेबिट करूँगा। तो एंट्री होगा अपना जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और ये रिजर्व ट्रांसफर करने पे, कैपिटल में ट्रांसफर करने से कैपिटल बढ़ जाएगा, और जब भी कैपिटल बढ़ता है स्टूडेंट कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है, करेक्ट। तो हमारा एंट्री हुआ जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व अकाउंट तो हमने बनाया नहीं है, करेक्ट, कैपिटल बनाया हुआ है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट था, तो कैपिटल अकाउंट के टू में, ओके, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैं मूव करता हूँ, ओके, और यहाँ पे नोट करता हूँ बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व। और जो जनरल रिजर्व का अमाउंट है 30,000, वो मैं 3:2 के हिसाब से बांट दूंगा स्टूडेंट, ठीक है, विच कम्स टू 18,000 एंड 12,000। चलिए आगे मूव करते कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट हमने अलग से लेजर बनाया हुआ है, तो इसको मैं सीधा लेजर में ट्रांसफ़र कर दूंगा, 1,08,72,000। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में मूव करूंगा, और 1 लाख टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 1,08,000 और 72,000, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट लाइबिलिटी साइड हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, अब मूव करते हैं एसेट साइड में, कैश एट बैंक। स्टूडेंट हमने कैश एट बैंक बनाया हुआ है, ठीक है, एज अ वर्किंग, करेक्ट। तो चलिए हम इसको कैश एट बैंक में लिख देते हैं, तो कैश अकाउंट में मूव करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट 750, ओके, सैंडरी रेटस 66,750, इनर कॉलम में एडजस्टमेंट है, सैंडरी रेटस 66,250, इनर कॉलम में नोट कर लिया। नेक्स्ट स्टॉक 25,500, ओके, तो स्टॉक 25,500। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट 36,000, करेक्ट, इन्वेस्टमेंट, सॉरी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 36,000, करेक्ट। नेक्स्ट प्लांट 90,000, प्लांट 90,000। स्टूडेंट फिक्स एसेट को नॉर्मली आपको ऊपर लिखना होता है, आदर डाल दीजिए, फिक्स एसेट ऊपर आएगा, फिर नीचे करंट एसेट आएगा, ठीक है, प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा लगता है इससे। नेक्स्ट बिल्डिंग 36,000, करेक्ट, तो बिल्डिंग 36,000, ओके, एडजस्टमेंट होने की वजह से सारे अमाउंट्स को मैंने इनर कॉलम में लिखा, जहाँ एडजस्टमेंट नहीं था वो मैंने सीधा आउटर कॉलम में लिख दिया, ओके स्टूडेंट्स। तो अपना बैलेंस शीट साइड पूरा कवर हो गया, अब हम मूव करते हैं एंट्रीज की तरफ, ओके। तो सबसे पहला कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर का एंट्री दिया हुआ है, वो हम पास कर लेते हैं। एंट्री क्या आएगा स्टूडेंट, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, करेक्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर कौन है यहाँ पे, पार्टनर का नाम है हरि, हरि कैपिटल अकाउंट, करेक्ट। मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ, डिटेल में जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या करना स्टूडेंट, कैश अकाउंट डेबिट है तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाना है आपको, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाना है और लिखना है यहाँ पे टू हरि कैपिटल अकाउंट, ऑपोजिट साइड के अकाउंट का नाम लिखना है 60,000। तो कैश अकाउंट के डेबिट में टू हरि कैपिटल लिख दिया, अब मुझे टू हरी कैपिटल में जाके कैश लिखना है, टू हरी कैपिटल मतलब स्टूडेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तब पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाके मुझे कैश अकाउंट लिखना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके मैं लिखूंगा बाय कैश अकाउंट, और हरी के कॉलम में 60,000 नोट कर लूँगा, ओके। तो चलिए ये भी हो गया अपना, अभी नेक्स्ट हम मूव करते हैं गुडविल,
गुडविल कैलकुलेट करने बोला था, हमने गुडविल कैलकुलेट कर लिया 67,500। और आगे कहा है कि ये जो गुडविल है स्टूडेंट, ठीक है, क्या करना है, रेस्ट करना है। क्या करना है गुडविल को, रेस्ट करना है। तो रेस्ट का एंट्री क्या है स्टूडेंट, गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। अब यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स का नाम क्या है, वसु कैपिटल अकाउंट, करेक्ट, और टू वीरज कैपिटल अकाउंट। ओके, तो गुडविल अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे हम क्या करें, ये गुडविल रेस का एंट्री स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ये गुडविल की जो एंट्रीज है ये खाली थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है यहाँ पे एडमिशन के टाइम पे। अगर गुडविल का एंट्री आपको आ गया तो ये चैप्टर बहुत सिंपल है। चलिए, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू वासु कैपिटल अकाउंट टू वीरेज कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले मैं गुडविल अकाउंट के डेबिट में जाता हूँ, गुडविल अकाउंट के डेबिट में आऊँगा टू वासु कैपिटल अकाउंट टू वीरेज कैपिटल अकाउंट, और दोनों का अमाउंट, ये जो अमाउंट है गुडविल का कितना अमाउंट है स्टूडेंट, 67,500, ये बांट दूंगा मैं 67,500 को बांट दूंगा, ठीक है, ओल्ड रेशो के हिसाब से, विच कम्स टू 67,500। तो स्टूडेंट गुडविल में जाके मैंने और पार्टनर्स का नाम तो लिख दिया, अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाके मुझे क्या लिखना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाके मुझे गुडविल लिखना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाऊँगा और बाय गुडविल, करेक्ट, ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गुडविल दोनों को भी। तो गुडविल रेस किया, ओके, तो ये गुडविल रेस की अपनी एंट्री हो गई। नेक्स्ट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेबिट्स टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर। स्टूडेंट आरडीडी क्रिएट करने से एसेट की वैल्यू कम होती है, और जब भी एसेट की वैल्यू कम होती है तो एसेट क्या हो जाता है स्टूडेंट, क्रेडिट हो जाता है, और क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो गई नुकसान हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, करेक्ट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, एंट्री क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, बरोबर, सेंड्री डेटर्स, करेक्ट, लॉस हो गया इसलिए रिवैल्यूएशन डेबिट हो गया, एसेट का वैल्यू कम हो गया इसलिए सेंड्री डेटर्स क्या हो गया स्टूडेंट, क्रेडिट हो गया। ओके, तो चलिए एंट्री पास करते, सबसे पहले रिवैल्यूएशन के डेबिट में आते हैं। तो रिवैल्यूएशन के हम डेबिट में मूव करेंगे और लिखेंगे टू सेंड्री डेटर्स अमाउंट 1,500, करेक्ट, 1,500। ओके, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में 1,500 लिख दिया, और सेंड्री डेटर्स में से रिड्यूस भी करना है, तो सेंड्री डेटर्स में से मैं यहाँ पे रिड्यूस कर दूंगा, लेस आरडीडी 1,500, और अमाउंट बाहर नोट कर लेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट, ये तो हमारा एडजस्टमेंट पूरा हो गया। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी वैल्यूडेड 22,500। क्लोजिंग स्टॉक क्या हो रहा है स्टूडेंट, कम हो रहा है, एसेट जब भी रिड्यूस होता है तो एसेट क्या होता है, क्रेडिट होता है, और नुकसान हो रहा है इसलिए रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, क्योंकि एसेट कम हो रहा है तो एसेट क्या हो जाएगा, क्रेडिट टू स्टॉक। कितना हो गया स्टूडेंट वैल्यू एसेट का, 22,500, और कितना दिया हुआ है, 25,500, ओके, 22,500। तो देखते कितना आ रहा है डिफरेंस अपना, 3,000, कितना आ रहा है स्टूडेंट, 3,000। तो 3,000 का क्या हो गया हमारा, लॉस हो गया, इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन के डेबिट में आते हैं टू स्टॉक, बरोबर ना, आप एक मिनट स्टूडेंट, यहाँ पे नोट कर लेते टू टू स्टॉक अमाउंट 3,000, करेक्ट, थ्री थाउजेंड, और दूसरा स्टॉक में से भी रिड्यूस कर देते, दूसरा इफेक्ट लेस रिटर्न ऑफ, लेस राइट ऑफ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे स्टॉक को, ठीक है, अमाउंट बाहर नोट कर लेते हैं 3,000, और अमाउंट आ गया मेरा 22,500, करेक्ट। तो चलिए ये एंट्री भी हमारी पूरी हो गई, सॉरी यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट,
प्लांट एंड बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। प्लांट और बिल्डिंग को क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे डेप्रिशिएट करना है। तो चलिए एंट्री देख लेते हैं, यहाँ पे दोनों भी डेप्रिशिएट हो रहा है, एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है तो नुकसान हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डेबिट हो जाएगा, करेक्ट, टू प्लांट अकाउंट। एसेट रिड्यूस हो रहा है तो एसेट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा टू प्लांट अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट। ओके स्टूडेंट, चलिए अभी इसका एंट्री लेजर में पोस्ट कर लेते हैं। ओके तो चलिए पोस्ट करते हैं एंट्रीज। क्या है यहाँ पे, रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट है टू प्लांट टू मशीनरी, तो रिवेल्यूशन अकाउंट के डेबिट में आएंगे और लिखेंगे टू प्लांट टू मशीनरी, टू प्लांट और टू मशीनरी रिवेल्यूशन के अकाउंट के, जस्ट वेट है, डेप्रिसिएट हुआ तो रिवेल्यूशन अकाउंट के डेबिट में आएंगे टू प्लांट और टू मशीनरी। नोट कर दो, स्टॉक का वैल्यू हमने नोट नहीं किया था, 3000 था, करेक्ट। ओके तो नोट करते हैं हम यहाँ पे रिवेल्यूशन प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में आके टू प्लांट और टू बिल्डिंग, करेक्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लांट और बिल्डिंग क्रेडिट, रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड बिल्डिंग था तो रिवेल्यूशन अकाउंट के डेबिट में गया टू प्लांट एंड बिल्डिंग, करेक्ट। अभी यहाँ पे इन्होंने वैल्यू कुछ दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे जो वैल्यू है इन्होंने परसेंटेज टर्म में दिया हुआ है कि दोनों को डेप्रिशिएट करना है हमें 5% के हिसाब से, करेक्ट। तो चलिए कैलकुलेट करते वैल्यू, यहाँ पे लेस डेप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 5%, 90,000 को 5% शुड आएगा 4,500, और ऑन द स्पॉट हम लोग टोटल भी बाहर लिख देते हैं। बिल्डिंग का 5% कैलकुलेट करते स्टूडेंट, 36,000 का जब 5% आप कैलकुलेट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 1,800, करेक्ट। चलिए इसे भी हम बाहर नोट कर लेते हैं, 34,200, और 4,500 और 1,800 हमें नोट करना है, 4,500 और 1,800, करेक्ट। तो आप देख सकते हो ये भी एंट्री हमने पूरी कंप्लीट कर दी, तो हमारी सारी एंट्री सब कंप्लीट हो गई। अब हमें अकाउंट्स क्लोज करना है स्टूडेंट, क्या करना है अभी हमें अकाउंट्स क्लोज करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंट क्लोजिंग की तरफ। तो सबसे पहला आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करोगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या है, सब डेबिट साइड में ही अमाउंट है, करेक्ट, सब डेबिट साइड में अमाउंट है विच कम्स टू 10,800। तो 10,800 नोट कर लेते हैं दोनों साइड में, और ये जो लॉस है स्टूडेंट 10,800 का, ये हमें नोट करना पड़ेगा, करेक्ट। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे 10,800 लॉस, और ये लॉस दोनों पार्टनर्स को जाएगा, तो विराज कैपिटल अकाउंट, वासु कैपिटल अकाउंट, और बाय लॉस ऑन रिवेल्यूशन, ठीक है। तो हम लिखेंगे बाय लॉस ऑन रिवेल्यूशन अकाउंट, वासु कैपिटल अकाउंट, विराज कैपिटल अकाउंट, और दोनों अमाउंट को 10,800 को हम लोग उनकी ओल्ड रेशियो जो कि है 3:2, 3:2 के हिसाब से क्या करेंगे स्टूडेंट, बांट देंगे, करेक्ट। तो आप देख सकते हो मैंने 10,800 को 3:2 के हिसाब से बांट दिया अमाउंट। ओके तो यहाँ पे एंट्री क्या हुआ स्टूडेंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो कि वास्तु कैपिटल अकाउंट और विरेज कैपिटल अकाउंट के बारे में डेबिट हो रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएंगे हम लोग और लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और दोनों का अमाउंट हम यहाँ पे नोट कर देंगे। ओके प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्लोज करने के बाद में हमें स्टूडेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है, करेक्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हरी का 60,000 क्रेडिट साइड का बैलेंस हैवी है, ओके विराज का 1,11,000 आ रहा, अगेन ये हैवी है, नेक्स्ट वासु का 1,66,500 आ रहा, अगेन ये हैवी है, करेक्ट। तो मैंने अमाउंट को नोट कर लिया यहाँ पे, हैवीयर साइड के अमाउंट को नोट कर लिया, और रिस्पेक्टिवली मैं डेबिट साइड में वो अमाउंट नोट कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे डिफरेंस लिखना है स्टूडेंट, बैलेंस लिखना है, तो चलिए अब बैलेंस लिख देते हैं यहाँ पे, बाय बैलेंस करेक्ट डाउन, और रिस्पेक्टिवली जो डिफरेंस है माइनस करना है आपको, 166,500 में से 6,480 माइनस करना है तो आपको ये बैलेंस मिल जाएगा, 1,11,000 में से 4,320 माइनस करना है तो आपको 1,06,680 मिल जाएगा, और यहाँ पे 60,000 ही आएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्लोज करने के बाद में हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज किया, अब पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करने के बाद में जो भी बैलेंस कैरिड डाउन आया स्टूडेंट वो चला जाएगा हमारा लाइबिलिटी साइड में एज अ कैपिटल अकाउंट, करेक्ट। यहाँ पे तीनों पार्टनर्स का हम लोग नाम लिख देंगे, उनका रिस्पेक्टिव कैपिटल हम लोग जो बैलेंस कैरिड डाउन है वो हम लोग नोट कर लेंगे,
फाइनली टोटल इन तीनों का टोटल मैं बार नोट कर लूँगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करके हमने अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। अभी बैलेंस शीट क्लोज करने के पहले स्टूडेंट, ये जो दो अकाउंट हमने बनाए हैं एज अ वर्किंग, इसे भी हमें क्लोज करना है। अगर कुछ डिफरेंस आता है तो वो रिस्पेक्टिव साइड में जाएगा बैलेंस शीट के, ठीक है। तो आप देख सकते हो कैश बैलेंस जो है, कैश अकाउंट, उसका डेबिट साइड ज़्यादा है, ओके। तो जो डिफरेंस स्टूडेंट कहाँ पर जाएगा, जो हमारा डिफरेंस आया है अभी इसमें 60750 का, ओके 60750 का, वो कहाँ आएगा, डेबिट साइड में, एसेट साइड में, क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस है, कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, हम इसे एसेट साइड में नोट कर देंगे कैश अकाउंट करके, ठीक है 60750। गुडविल का देखोगे तो आपको गुडविल का भी डेबिट बैलेंस दिखाई देगा, करेक्ट। तो गुडविल को भी हम लोग क्या करेंगे, गुडविल के अमाउंट को भी बैलेंस क्रेडिट डाउन नोट कर लेते हैं। और ये क्योंकि इसका अगेन गुडविल का डेबिट बैलेंस है, तो ये भी एसेट साइड में जाकर स्टूडेंट गुडविल अकाउंट करके 67500। अब हम गुड बैलेंस शीट को टोटल कर लेते हैं, 371,700, 371,700 और 371,700, करेक्ट। तो स्टूडेंट इसी के साथ में हमारा ये सम कंप्लीट होता है, बैलेंस शीट टैली हो गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सम समझ में आया होगा। थैंक यू।